आंगनबाड़ी में पढ़ी लिखी है। कौन कहता है पढ़ी लिखी नहीं है? बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि उनके लिए रोजगार नहीं है। बीए एमए करने के बाद एक 7000 की नौकरियां कर रही है, क्यों क्यों नहीं उनको देखा जाता? महिलाओं को बीए और डिग्रियां ले लेके वो एक आंगनबाड़ी में अपना काम कर रही है। मैं पूछना चाहूंगी मोदी जी, आपका नाम तो बहुत दुनिया में है, रहम करें बेटियों पे और हम लोगों पे रहम करें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आपके शासन में हो रहा है। आदरणीय हमारे बहुत ही अच्छे नेता का हैं, लीडर का हैं, भाई का हैं अशोक जी, जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने इस समूह को जगह जगह से इकट्ठा किया है, जगह जगह से लोग इनके प्यार के लिए और संविधान बचाओ के लिए इन्होंने सबको बुलाया है। बहुत ही अच्छी इनकी डीलिंग है, बहुत ही अच्छा इनका प्यार है। इनके प्यार की वजह से ही तो ये लोग यहाँ दुनिया दुनिया भांति भांति शहरों से आए हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, पंजाब है और तेलंगाना है, आदिवासी लोग हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इनके अधिवेशन में नहीं आया हो। और इनसे मिलके बहुत ही हमें खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे कुछ लोग हमारे ही गद्दारी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिन देखने पड़ते हैं। उनको मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और रिक्वेस्ट भी है कि वो ऐसा काम करने से बिल्कुल ही छोड़ दें, और संविधान को तभी बचा सकते हैं हम जब हम एक होंगे, एकजुट हो जाओ, एक परिवार हो जाओ। ये हमारा परिवार है जो हमारे बाबा साहब ने हमें, ये उनकी धरोहर है जो इस दिल्ली के अंदर अशोक जी इतनी बड़ी मशीन चला रहे हैं, जिन्होंने साइकिल पर दिन रात पब्लिक की सेवा की और सभी की बातों को सुना है। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। कौन कहता है कि हमारा लीडर नहीं है? इतने बेहतरीन लीडर हमारे दिल्ली में हैं जो अशोक जी, मैं तो फिर भी उनको सलाम करूंगी कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई हुई है और महिलाओं को भी बुलाया है, महिला शक्ति। मैं तो ये कहती हूँ, जो आरक्षण की बात करते हैं, पिछली जो हमारी सरकार थी जिसने 60 साल राज किया, उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। कमी यह कि शेड्यूल कास्ट को 50% आरक्षण होना चाहिए। हम लोगों को इतना आरक्षण नहीं मिलता। कहीं हमारे इलेक्शन की सीटें होती हैं, वहां पर एक महिला को सीट देते हैं। क्या है आरक्षण? ये 10 सीटों में से भी एक सीट होती है हमारे शेड्यूल कास्ट की, 10 सीटें होती हैं जनरल। ये आरक्षण नहीं है, ये तो शरियाम एक बेईमानी है। और एक छोटी सी टॉफी दे करके हमको लॉलीपॉप पॉक देते हैं ये, और हम लॉलीपॉप को बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हम नहीं मानेंगे। हमारी महिलाएं शिक्षित क्यों नहीं होती कि ये आगे आने नहीं देते हैं? इलेक्शन में हमें बिल्कुल भी कोई टिकट नहीं देते किसी प्रकार से, नहीं पहले कभी हुआ 60 साल में? तरह तरह कर रही है इस टाइम ये दुनिया। पार्टी क्या पार्टी है? कोई पार्टी नहीं। मैं पार्टी को नहीं मानती, मैं उस पार्टी को मानती हूँ जो हमारे हितों में बात करे, हमारी गरीबों के हितों में बात करे। क्या है ये? पहले कैसे रखेगा? कोई ठेकेदारी प्रथा कभी सुनी थी? हमने तो नहीं सुनी, ना ही हम जानते थे कि ठेकेदारी क्या है। आज हमारे लोग नौजवान पढ़े लिखे आज हजार 10,000 में नौकरियां कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है? पहले डेली बेस पर रखे जाते थे, आज से 50-40 साल पहले, 30 साल पहले डेली बेस का नाम दिया जाता, डेली बेस के बाद उनको पक्का किया जाता था। पक्का क्या है? नोटबंदी में रातों रात बदल गई दुनिया। तो क्या हम नहीं संविधान को अपने को आगे बढ़ा सकते? उन्होंने रातों रात में बदल दिया, हम सेकंडों में बदलना चाहते हैं, अपना संविधान लाना चाहते हैं। हमारा संविधान मजबूत होगा, मेरे देश के सभी शेड्यूल कास्ट भाई और धरनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह अत्याचार ना करें, इस तरह नहीं करना चाहिए उनको। हमें बराबर का हक दें, बराबर बैठाएं, बराबर का हक दें। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो आज की सरकार में हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोदी साहब से, प्रार्थना करूंगी उनसे कि वो देश की हित की नारियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, हमारे लिए आरक्षण दें, हमें आधा 50% दें। हमेशा उनसे हमारी यही प्रार्थना रही है
कि ऐसा ना करें। हमारे देश के नागरिक बहुत बुरी तरह से भूखे प्यासे मर रहे हैं। महिलाओं को देखो आप, आंगनवाड़ी का मेरी बहन जी ने एक जिक्र किया था, तो मैं इतना जरूर कहूँगी आंगनवाड़ी वालियों को कौन सा बहुत ज्यादा ताज दे दिया है। उन्होंने धरतियों पर लेट लेट कर कितना उन्होंने आंदोलन किया, कितना मुसीबतों का सामना किया। आंगनबाड़ी में पढ़ी लिखी है, कौन कहता है पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि उनके लिए रोजगार नहीं है। बीए एमए करने के बाद एक 7,000 की नौकरियां कर रही है, क्यों क्यों नहीं उनको देखा जाता? महिलाओं को बीए और डिग्रियां ले लेके वो एक आंगनबाड़ी में अपना काम कर रही है, तो क्या है महिला, कौन सी महिला सुरक्षित है आपके राज में? महिलाओं के साथ हाथरस में कांड हुआ, एक शुरू काश की बेटी को जिंदा जलाया, तरह तरह कर बैठे वाल्मीकि समाज के सभी लोग, हाहाकार मचा इस दुनिया में, एक जीवित लड़की को जला दिया। मैं पूछना चाहूंगी मोदी जी, आपका नाम तो बहुत दुनिया में है, रहम करें बेटियों पे और हम लोगों पे रहम करें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आपके शासन में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? मुझे लगता है आप तक आपके जो वर्कर हैं या जो आपके लीडर हैं, शायद आपको ऐसा नहीं होने दोगे और ना ही आप चाहोगे, लेकिन आपके नीचे जो आपके जो चमचे बैठे हुए ना, इन चमचों ने इस देश का नाश कर रखा है। आप प्लीज़ अपने चमचों को समझाएं, आप तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं, ना ही आपको ये पता होने देते हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं ज़रूर कहूँगी, मैं फिर भी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी तारीफ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके नीचे जो चमचे और जो बैठे ना गुर्गे, इन्होंने आपके नाम को बदनाम कर रखा है। आप इनके नित मीटिंगें लें, इनसे पूरा हिसाब किताब लें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा इस देश के लिए। 60 साल राज किया कांग्रेस ने, इतनी तरह तक क्यों नहीं हुई? 60 अब 2-3 साल में ही आपको लोग हटाने की सोचते हैं, 2-3 साल में ही कहते हैं कि एबीपी मशीन जो थी पहले कभी थी नहीं थी, थप्पा लगा लगा कर मोर लगा लगा करके हम लोग इलेक्शन का वो करते थे, लेकिन अब एबीपी मशीन क्यों है? जिस देश में ये बनी है उन देश वालों ने इसको नकार दिया, लेकिन आपने इसको इशू कर दिया। क्यों मोदी जी, आप कैसा ऐसा क्यों होने दे रहे हो? प्लीज़ इस अत्याचारों को आप ही मिटा सकते हो। आप खाली एक इंसान के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप शेड्यूल कास्ट से लेके राजा से लेके भिखारी से लेके गरीब से लेके हर एक के आप एक प्रधानमंत्री हो। हम गर्व करते हैं कि आप अच्छे प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपके जो नीचे बैठे हुए मोदी जी, प्लीज़ इनकी मीटिंगें लें, पुलिस अत्याचारों को रोकें। आप ये दुनिया बहुत परेशान हो रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वाल्मीकि समुदाय इतना परेशान है, बाबा अम्बेडकर जी ने हमें चलना सिखाया है। प्लीज़ इस गुलशन को बाबा जी के नाम को आप ही आगे बढ़ा सकते हो, हम लोगों को आगे बढ़ाओ, हमारी शुद्ध लो मोदी जी, हमारी शुद्ध लो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस संविधान को आगे खुद आप बढ़ाएं और इस पे आप गौर करें और नज़र डालें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा ये गरीब जनता और गरीब लोगों ने ही आपको वोट दी है, आप ये ना सोचें कि आपको वोट रईसों ने दी है, कोठियों में से निकल के दी है, नहीं मोदी जी, ये वोट सिर्फ आपको एक गरीब ने दी है, शेड्यूल कास्ट ने दी है। वो चाहते थे कि हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और हरियाली लेके आएंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी जी कि आप इस देश को आप ही बचा सकते हो, क्योंकि हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हो और हम सराहनीय प्रधानमंत्री हो आप, और रोक दो अत्याचारों को, रोको और महिलाओं को आगे लाओ, ताकि आपको सभी महिलाएं आशीष दें, आपको दुआएं दें। दुर्गा काली जो भी है, ये महिलाएं, एक महिला से आप भी पैदा हुए हो, तो महिला की रक्षा करें मोदी जी, महिला की रक्षा करें। धन्यवाद, थैंक यू जी।